तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज संडे का दिन है और आज हम जा रहे हैं बीकानेर घूमने, क्योंकि आप भैया आया है तो फिर हम तो ये भी जाने वाला है। तो हमने सोचा कि उससे पहले एक बार अच्छा सा टूर मारते हैं, तो साथ में हम लोग चारों एक अच्छा सा टूर मारने वाले हैं। देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ब्लॉग, तो बने रहना हमारे साथ। अभी हमारी कैब आ गई है तो हम निकलते हैं फटाफट, वरना लेट हो जाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। ये तनुजा ने डोर लॉक किया और ये कुछ इस तरह से दिख रही है तनुजा। ये अंकल इनके साथ हम पहले भी जा चुके हैं दो तीन बार। तो अब हम निकल रहे हैं और ये तनुजा बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है, आंखों में काजल। आज मैंने बहुत दिनों बाद थोड़ा सा मेकअप किया है और इसकी आंखें तो हमेशा ही अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा भी अच्छी लग रही है। तो ये राजस्थान आने के बाद हमारा पहला टूर है, पहला ट्रिप है, और बोलते हैं कि मतलब बीकानेर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह भी है। तो आज देखते हैं, वहाँ पे कुछ फोर्ट्स हैं, एक करणी माता का मंदिर है, मतलब आप गूगल में देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो। वो बेसिकली वहाँ पे चूहे रहते हैं बहुत सारे, तो फिर वो इसीलिए फेमस है, उसको चूहे वाला मंदिर भी कहा जाता है। अभी हमारा टूर जाने का मतलब घूमने का ये भी मतलब है कि उसके बाद रूम पे भी हो जाएगा ना, फिर हम कहीं जा भी नहीं पाएंगे काफ़ी समय तक, तो ऐसे ही रुक जाएंगे। तो फिर अब चलते हैं और आपको दिखाते रहेंगे कि रास्ते में कैसा कैसा है, क्या क्या है। तो अभी हम इस दुकान में आए हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, ताकि आगे नाश्ता करेंगे तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए ना। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये है यहाँ का व्यू, कुछ इस तरह का व्यू है। और हम बेसिकली एक पुल के ऊपर है हम लोग। तो ये नाश्ता वगैरह लेके आई है, इसने बनाया था सुबह ब्रेड पकौड़ा और काफी काम किया इसने सुबह सुबह से। अभी खाते हैं, देखते हैं कहाँ पे बैठ के खाते हैं। अंकल ने तो यहीं पे रोका है। ये है कुछ इस तरह का व्यू और ऐसी जगह हमने अपनी गाड़ी रोकी है। और अभी हम यहाँ पे करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में है ब्रेड पकोड़े जिसमें आलू और पनीर की फिलिंग की है तनुजा ने, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स है कुछ। तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये तनुजा देखिए कितनी प्रिटी लग रही है, बान हुई, कैसा लग रहा है? ब्रो क्या देख रहे हो, क्या निहार रहे हो? ये है हमारे ड्राइवर अंकल। अंकल कैसा है, कैसा बने? बढ़िया। ब्रेड पकौड़ा क्या क्या बोला तूने, क्या बोला? आओ से औरत। अभी हमने नाश्ता कर लिया है, ब्रेड पकोड़े इसने आलू पनीर पता नहीं क्या क्या भर रखा था, बहुत हैवी हो गया। और अभी मेरा पेट थोड़ा अच्छा फील कर रहा है क्योंकि भूख लग गई थी, सुबह उठ गई थी 6 बजे से, कुछ नहीं खाया मैंने। बच्चे को भी चाहिए था ना फिर। हाँ, और अब चलते हैं, अब डायरेक्ट रुकेंगे बीकानेर में, आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे कुछ अच्छा होगा तो। यहाँ पे बारिश भी हो रखी है, जमीन गीली है। गोरे तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, गाँव बड़ा गिन्ना मेरे को लगा सिन्ना आके यहाँ आके यहाँ रे, अपना मुलुक छोड़ी तेरे गाँव आयू रे, देखे नी चोरी चोरी अपना बना, खिड़की में देख तू बाल बनोनी, मेरे मंजू तू मेरी होश उड़ानी, एक हाथ में कंगी तेरी, एक हाथ में शीशा, एक हाथ में कंगी तेरी, एक हाथ में शीशा, मैं तेरो शाहरुख खान तू मेरी करीशा।
बाजी ढोल बाजी धामा, अरे नाच के छा छलिया बाजा ढोल में बसी बाजी दाजु गड़ा मा, ढोल में बसी बाजी दाजु गड़ा मा, अरे राम सीता नजर आयो ही का जड़ा मा। अरे तिले दारू बोला अलीला गजारी, तेरी फेसबुक की रमोनी अलीला गजारी, काली गंगा को कालो पानी, काली गंगा को कालो पानी, चलो चलो केलो 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 चलो केलो केलो, अरे आदो गड़ो बाजो रे गयो छायाले, अरे लंका है रावण आयो, ओ, 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 ओ सीता की मायाले मायाले मायाले, त दुनिया ते पूछी लिए मैदरा, त दुनिया ते पूछी लिए मैदरा, बिन माया को कोई न हो न जड़दरा, बिन माया को कोई न हो न जड़दरा, हरियावर दिमाग मेरा काला बुढ़ा चन, हरियावर दिमाग तेरा काला बुढ़ा चन, फौजे की नौकरी जो बहते दुखे चन, फौजे की नौकरी जो बहते दुखे चन, सुनो दियो सुनार से बना दियो पायल, सुनो दियो सुनार से बना दियो पायल, दिले दियो परदेसी से बना दियो गायल, दिले दियो परदेसी से बना दियो गायल, दिल दे बैठूं ओए ओए दिल दे बैठूं, परदेसी यार के पागल भयूं प्रेमी का प्यार में। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर बाकी है अभी बीकानेर हमारे जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ से, और देख सकते हैं गाइस ये दीदी जीजू ये अरे अंकल जी हमारे, और कुछ इस तरीके का व्यू दिख रहा है वहाँ तो मज़ा ही मज़ा। आज तो मौसम ने भी हमारा साथ दिया, आज मौसम उसके लिए वो गाना बनता ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बस हम पहुंच ही चुके हैं बीकानेर के अंदर, तो हम बस पहुंचने वाले हैं, ये तो सो गई थी अभी और अभी मंकू भी सो गया है, सो गई है, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ज्यादा सफर है ना, तो ये हम पहुंच गए हैं करणी माता के मंदिर के बाहर, अभी अंदर जाते हैं दिखाते हैं आपको। ये तो सो गया था, चश्मा उतारना सर, चश्मा उतारना। और यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं मंदिर के लिए। तो ये देखिए ये बाहर का प्रेमिसेस है मंदिर के बाहर का, काफी दुकानें हैं। और तनुजा सुना था, अब आज आप ही ये मंदिर फेमस है चूहे वाले मंदिर के नाम से, ये है मंदिर, देखिए कितना प्यारा मंदिर है आप देख सकते हैं, बेहतरीन। ये भी दिखना चाहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम भी लाइन में लग गए और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये तो फिर भी कम है, अगर जब नवरात्रि का टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और आप देख सकते हो ये कितना भव्य मंदिर, कितना प्यारा मंदिर बना रखा है। ऐसा माना जाता है कि करणी माता साक्षात दुर्गा का अवतार है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चने और दाल और बहुत सारी चीजें हैं जिसका भोग लगाया जाता है चूहे को।
इस मंदिर में तकरीबन 25,000 से भी ज्यादा चूहे रहते हैं। माना जाता है कि ये चूहे करणी माता के वंशज हैं, इसी कारण से इस मंदिर को मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बाहर पे चेतावनी लिखी हुई थी कि अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो आपको पाँव अच्छे से संभाल के चलना है, तो हम भी काफ़ी अच्छे से संभाल के चल रहे थे। और यहाँ पे शाम के समय जब माता की संध्या आरती होती है तो उस समय जितने भी चूहे हैं वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। इस भव्य और बेहतरीन मंदिर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था और वो माता करणी के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी वे किसी लड़ाई में जाते थे तो हमेशा इस मंदिर का आशीर्वाद लेके जाते थे। यहाँ पे चूहे के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, ये आप देख सकते हैं पानी है और साथ में ये जो खाने पीने की पूरी व्यवस्था जिसमें चने दाल और भी बहुत सारे पकवान जैसे लड्डू वगैरह भी लोग चढ़ाते हैं। और ये आप देख सकते हैं हम और जितने भी लोग हैं ये सभी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम लोग आ गए मंदिर से बाहर और ये मंदिर काफी ज्यादा यूनिक मंदिर है पूरे देश का, क्योंकि यहाँ पे चूहे चूहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पैर के नीचे ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, पर ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं, अभी हम पैलेस जाने वाले हैं। कौन सा पैलेस है? भूल गया नाम, नाम ही हमको नहीं पता। और भैया कैसा लगा फिर तुझे मंदिर? एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस हुआ हमें चूहों के साथ। और बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो डर लगता है, डर तो लगी थी। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ मार्केट कैसा है, क्योंकि कुछ कुछ है सामान यहाँ पे। देखिए पसीने से कैसे हो गए एकदम, लथपथ हो गए। मेला होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और चूहे चूहे जहाँ देखो सिर्फ चूहे चूहे। अभी अभी मौसम बदला है, अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अचानक से गर्म सा हो गया। बीमारी नहीं होती यहाँ पे चूहे से? नहीं नहीं, यहाँ का रिकॉर्ड है ना कि चूहे से कभी भी कोई बीमारी नहीं हुई है। करणी माता का आशीर्वाद है यहाँ पे कि कभी भी किसी तरह की जो रैट वाली बीमारियाँ होती है वो कभी भी नहीं हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्ट, बहुत इंसिस्ट किया था यहाँ आने के लिए। ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए ऐसे कपड़े नहीं पहनाऊंगी। बोल रही है मैं अपने बच्चे को सेल वाले कपड़े नहीं पहनाऊंगी। स्टार्टिंग में तो वो लेना पड़ेगा ना जिसमें मतलब लड़का लड़की दोनों में। हाँ छोटा, मुझे बड़ा क्यूट लगा और ये भी अच्छा है, बट ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ये है ना? हाँ ये अच्छा है, जुगलत है। ये भाई ये ग्रीन ग्रीन भी अच्छा है, ये ग्रीन ये भी तगड़ा है यार, ये भी अच्छा है। हम बच्चे के शॉपिंग कर रहे हैं बच्चे के कपड़े की।